Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video of Capital Smart City. Walking Tail episode 6, vlog number 6. इस वीडियो में आपको जो ब्लॉक एच में रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, ब्लॉक एच में पहले डेवलपमेंट 10-15% बेसिक अर्थवर्क की हुई थी, लेकिन अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है ब्लॉक एच में। अराउंड कह लेंगे 30-35% एरिया ऐसा है जिसमें स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान बनना शुरू हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा और एरिया ऐसा है जिसकी रॉ लैंड पर काम, यानी कि उसकी ब्राउनिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो गया। अभी मैं ब्लॉक एच में वॉक कर रहा हूँ, और इस ब्लॉक एच में इस वक्त जो डेवलपमेंट है, ये ब्लॉक एच जो है ब्लॉक डी और ब्लॉक सी के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ये ब्लॉक सी है एंड दिस इज़ ब्लॉक डी, ये उनकी बैक साइड पे आता है, और ये जहाँ आपको क्रेन लगी नज़र आ रही है, ये हार्मनी हाइट्स जो बिल्डिंग बन रही है, कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहा है उसके बिल्कुल बैक साइड पे, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं जी इस साइड पे, अगर देखें हम तो इस साइड पे ब्लॉक एच में, जहाँ तक बात है ब्लॉक एच के डेवलपमेंट का कि ब्लॉक एच में कौन से स्ट्रीट डेवलप हो रही है, तो ब्लॉक एच को जो ब्लॉक डी और ब्लॉक सी से जो पार्शल रोड कनेक्ट करता है, उस रोड का जो एसफॉल्ट है या उसके जो कॉम्पैक्शन या उसके जो प्रॉपर लेआउट प्लान बनना होता है उस पर काम अभी हो रहा है, और इस रोड के दोनों साइड्स पर, यानी कि ये रोड आगे लीड करता है ब्लॉक एच और ब्लॉक आई को आई थिंक डिवाइड करता है। मैं बाद में वैप पे देख आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ओवरऑल ये रोड है जिसकी कॉम्पैक्शन है, जिसका भी लेआउट प्लान जो बन रहा है। और अपोजिट साइड पर, यानी कि जो ये वाली साइड बनती है, मेरे पीछे आपको काफ़ी शोर सुनाई दे रहा होगा, शोर इसलिए कि आपको बैक साइड पे यहाँ पे जो हिल व्यू रोड है उसकी कटिंग का काम हो रहा है, उसकी मतलब कटाई का काम हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा। तो बहरहाल बात करते हैं इस ब्लॉक एच की बैक टू बेसिक। ये जो आपको कुछ लैंड एरिया ऐसा है जो आपको डेवलप्ड नज़र नहीं आ रही, वाटर टैंक के साथ जो कुछ एरिया नज़र आया, ये प्रीमिसेस नज़र आ रही हैं, ये डेवलप नहीं हुआ। इसकी वजह ये कि मेरा ख्याल है कि सोसाइटी के पास ये लैंड नहीं है, क्योंकि मैं एरियल फुटेज या ड्रोन से फुटेज रिकॉर्ड कर रहे थे मीडिया टीम, तो मैं देख रहा था कि इसमें प्रॉपर जो है काश्तकारी हुई हुई है इस एरिया में। अब ये जो एरिया बनता है, आई डोंट नो कि मैं मैप पे बाद में देख के, जब वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी मैं मैप पे देख एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा एरिया बनता है, बट इस एरिया की लैंड जो है प्रोक्योर्ड नहीं है ब्लॉक एच में, और बाकी ब्लॉक आई की लैंड मुकम्मल प्रोक्योर्ड है, ब्लॉक जे की, ब्लॉक के की मुकम्मल प्रोक्योर्ड है, ब्लॉक एल की लैंड पर वैसे स्टे है, तो वहाँ पर इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रही। और बाकी जो ब्लॉक एच की, अच्छी बात यह है कि ब्लॉक जी और ब्लॉक एच का भी यही हाल था जो ब्लॉक एफ और ब्लॉक एल का था, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो ब्लॉक जी और ब्लॉक एच, जी फॉर गोट एच फॉर हॉर्स, इन दोनों जो ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट जो है फुल स्विंग में जारी है, और ये आप लेआउट प्लान देख सकते हैं, अर्थवर्क देख सकते हैं, और मशीनरी जो काम कर रही है ब्लॉक जी और ब्लॉक एच में वो भी देख सकते हैं। अब ब्लॉक एच की दूसरी साइड पर चलते हैं। ये साइड जो ब्लॉक एच की आपको नजर आ रही है, ये इनिशियल जो स्ट्रीट्स बनती है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 वो बनती हैं, और ये बीच में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पे प्रॉपर सेवरेज काम स्टार्ट हो गया। मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ, ब्लॉक जी इसके बिल्कुल बैक साइड पे है, आगे जाके मैं ब्लॉक जी की वीडियो बना दूंगा। ब्लॉक जी जो है यहाँ से डिस्टेंट है, मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये जहाँ पे आपको दो इंडिविजुअल्स, तीन इंडिविजुअल्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये ब्लॉक जी की प्रीमिसेस हैं। ब्लॉक एच की प्रीमिसेस जो हैं वो यहाँ तक हैं कि जहाँ आपको सीवरेज की लाइंस नज़र आ रही हैं, बल्कि यहाँ आपको थोड़ा जूम कर दिखा दूँ, ये जो आपको रोड पड़ा हुआ पाइप नज़र आ रहा है, ये जो प्रीमिसेस हैं ये सारी ब्लॉक एच की प्रीमिसेस में आता है, बाकी सारा आगे ब्लॉक जी की प्रीमिसेस हैं। दोनों ब्लॉक्स की, ब्लॉक जी की भी लैंड जो है तकरीबन 20-25% लैंड ऐसी है जिस पर ग्रीनरी अभी है, ब्राउनिंग का काम भी आगाज नहीं हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली वही इशू होगा कि लैंड की प्रोक्योरमेंट या स्टे या कोई मसले हो सकते हैं, जिस तरह के रियल इस्टेट में होता है कॉमन। और ब्लॉक एच की लैंड की अगर बात करें तो ब्लॉक एच में तकरीबन 15-20% ऐसी लैंड है, ब्लॉक एच की लैंड कम है इनफैक्ट ब्लॉक जी की निस्बत, जो प्रोक्योर्ड नहीं है या जिस पर डेवलपमेंट नहीं हुई, इन अदर वर्ड्स प्रोक्योर्ड का वर्ड में भी थोड़ा हार्श हो जाए, बट ओवरऑल डेवलपमेंट जहाँ पे नहीं हुई, तो ये डेवलपमेंट जाके फ्यूचर में जब जाके होगी तो मैं इंशाल्लाह उस हवाले से डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बट लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉक जी और ब्लॉक एच की वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स अगो, उस टाइम से कंपेरिजन करें आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप फील करते हैं। आप साइड पर आते हैं, ये एक दूसरा रोड है, इसका लेआउट प्लान भी आप देख सकते हैं। अब ये बेसिक काम है, ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा बहुत पीक डेवलपमेंट होगी है, बट कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। जब मेंबरान ने प्लॉट बैलेटिंग में निकल आए थे, इनिशियल फेज़ में प्लॉट लिए थे और उनके प्लॉट वो पेंडिंग में थे, अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और अब जब ये फेज़ है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली उन मेंबरान के लिए एक सुख का सांस ही है बेसिकली कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो एटलीस्ट हो रही है। तो ये ओवरऑल ब्लॉक एच की लैंड है प्रीमिसेस, बाकी मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो रिव्यू, उसमें बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल ये वीडियो थी ब्लॉक एच के हवाले से, नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक जी की बना दूंगा जो साइड वीडियो फेज 7 होगी, जो वॉकिंग टेल्स 7 वीडियो।
सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।